संजू सैमसन या फास्ट बॉलर उमरान किसको चुनेंगे हार्दिक कप्तान मुझे क्या पता भाई ये तो मैच शुरू होने के बाद ही पता चलेगा हम यहाँ पे बैठ के क्या ही बता सकते हैं नहीं नहीं हम बिल्कुल बता सकते हैं हम कम से कम ये बता सकते हैं कि ये जो टीम इंडिया इतनी इम्पोर्टेंट तीन टी ट्वेंटी मैच की ये जो सीरीज है जो, जो न्यूजीलैंड से हो रही है जो दोनों टीमें हार के आई है सेमी टीमें सेमीफाइनल में हार के आई है ये ये, ये ब्रॉन्ज मेडल की जो लड़ाई है वो अब वर्ल्ड कप के बाहर खेली जा रही है वो वर्ल्ड कप के बाहर खेली जा रही है न्यूजीलैंड की धरती पर वाह और न्यूजीलैंड की धरती पर ये मैच जो हो रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए आप इनकी इम्पोर्टेंस समझिए न्यूजीलैंड साल वर्ल्ड कप इंडिया में जो वर्ल्ड कप है वो अमेरिका और वेस्ट इंडीज में है क्या वहां की है? भी कंडीशन न्यूजीलैंड से बिल्कुल नहीं मिलती इंपॉर्टेंस तो मतलब समझ पा रहे हो इसकी इंपॉर्टेंस इसकी एक ये भी है कि जो ये जो कुछ नाम है मेरे आगे रखे हुए है रोहित शर्मा विराट कोहली एल राहुल दिनेश कार्तिक मोहम्मद शामी आर अश्विन और एक नाम जो नहीं लिखा है राहुल एक बहुत ही अहम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेस्ट दिया, दिया गया, गया है वर्ल्ड कप खेल के थक गए होंगे वो वर्ल्ड कप में सिखाते सिखाते भी राहुल भाई जो है राहुल द्रविड साहब जो वो थक गए होंगे राहुल द्रविड कैसे थक गए तो टेस्ट मैच में मैराथन इनिंग्स खेलते थे यार उम्र हो गई है रिटायरमेंट लेके बैठे हैं वो ऐसे थोड़ी मतलब पेंशन आ रही है उनके घर पे वीवीएस लक्ष्मण इस सीरीज के लिए कोच हैं और उनसे पुराने कोच मतलब राहुल द्रविड से पुराने कोच रवि शास्त्री साहब का कहना है कि मुझे नहीं लगता कि कोच को भी रेस्ट देने की जरूरत थी उनके हाँ उन्होंने कहा था है कि आईपीएल आता है उस दौरान आराम करो आराम करो और अगर ज्यादा थकान हो रही है तो वो तो देखिए राहुल के बारे में हम ये कुछ कह नहीं सकते हमें बस इतना पता है कि वो नगर के बहुत बड़े कुंडे हैं हाँ। लेकिन लेकिन उनका जो वो है, पर, पर फ्रूट, फ्रूट जूस, जूस पीने का और उनकी पसंद का का। उतारने के लिए आप बाकी चीजें भी यूज कर सकते हो ये क्या रेस्ट लेना थोड़ी जरूरी सर्दी भी आ गई है अब तो बूढ़े बाबा भी चलते हैं बिल्कुल ओल्ड Ferrari। फरारी <laughs> 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 नाम भी लेना चाह रहा था <laughs> <laughs> पर चलिए तो इंडिया और न्यूजीलैंड की ये तीन टी ट्वेंटी की बेशकीमती बेहतरीन सीरीज शुरू होने से पहले पर मैं एक बार बता दू हाँ. ट्रोलिंग हो गई बीसीसीआई की अच्छा हो हमने कर ली कर ली लेकिन अच्छा। नहीं, आगे भी करते रहेंगे पर मैं ये बताना चाहता हूँ इंपॉर्टेंट तो है देखिए क्योंकि कम से कम इतने बड़े बड़े खिलाड़ी जिनको इस बार मौका नहीं दिया गया जिनको रेस्ट दिया गया हाँ। उनको अगर इस फॉर्मेट में परमानेंटली रेस्ट देना है हाँ? तो जिन प्लेयर्स को ट्राई करना है वो प्लेयर्स हैं बस यही तो आप गलती कर देते हो भुवनेश्वर कुमार है नहीं नहीं भुवनेश्वर कुमार तक तो मैं आ ही नहीं रहा अच्छा मैं कह रहा हूँ कि उनको रेस्ट दिया गया है छुट्टी की तरह आपको ये लग रहा है कि उनके बदले इनको लेके आएंगे ये हमारी पॉजिटिव थिंकिंग है पॉजिटिव को हटा दो साइड में आपको पता नहीं चल रहा है ये प्लेयर जब खेल के यहाँ से जाएंगे हाँ। तो बांग्लादेश के साथ जो बहुत ही अहम इंपोर्टेंट हाँ। और क्या क्या वर्ड होते हैं आ, जो भी होते हैं सिग्निफिकेंट वेरी वेरी नाइस यार वेरी नाइस मतलब वर्ड आया एकदम न्यूजीलैंड से लेके आए हो इंग्लिश में तो ये जो इंपॉर्टेंट सीरीज होगी बांग्लादेश के साथ वहां पे ये सारे प्लेयर्स अपनी वापसी करेंगे हाँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी टीम देखिए बांग्लादेश बड़ी टीम उनका मैदान और बड़ा मतलब चिटागोंग

हाँ। तुम संभालो संभाल के एल राहुल कभी भी किसी भी टाइम पर कहीं से भी वापसी कर सकते हैं तो आपको के एल राहुल से तो बल मतलब... राहुल है जॉन जो है <laughs> <सांची में। laughs> तो के एल राहुल लेकिन इस इस सीरीज में केल राहुल को रेस्ट दिया गया है देखिए तीस साल के हैं वो काफी उम्र है उनकी भले ही चौतीस साल के सूर्य कुमार यादव उनसे ज्यादा खेल रहे हो हाँ। तो क्या उनको रेस्ट की जरूरत नहीं है के एल राहुल को रेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि एक तो फ्लुएंट भी है ना उनकी अगर आप आपने देखी उनकी पचास रन और इक्यावन रन की जो इनिंग्स जो आई थी भाई साहब वो जैसे वो छोटे होते खिलौने होते थे ना वो चा भरते थे

मैच इंडिया ने जीते थे सुपर ओवर सुपर ओवर दो मैच में उसमें सुपर ओवर हुए थे दोनों मतलब ये पांचों मैच इंडिया ने जीते सुपर ओवर में तो के.एल. भैया ने जिताया भी था हाँ अरे भैया के एल भैया इसी सीरीज से केएल भैया ने अपना इतना नाम कमा लिया कि 2022 तक वो टी ट्वेंटी टीम में शामिल रहे क्योंकि केएल राहुल यहां पर एज अ विकेट कीपर भी गए थे हाँ, ये, ये वो वो वाला कीपर, ये कीपर वो वाला, वाला टाइम था जब टीम इंडिया को धोनी के बाद समझ में नहीं आ रहा था विकेट कीपर किसे बनाए और सबको लग रहा था कि राहुल जैसे सौरभ गांगुली ने राहुल द्रविड को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी ऐसे विराट कोहली ने दी है विराट कोहली कैप्टन टाइम विराट कोहली उस जमाने की उन दिनों की बात है

तो अब ना चाहते हुए भी हमको वो मतलब अच्छे टी ट्वेंटी ओपनर ढूंढने पड़ेंगे सही बात है हाँ तो अब ये जो टी ट्वेंटी ओपनर्स हैं इस लिस्ट में कौन कौन है ईशान किशन शुभमन गिल संजू सैमसन और ऋषभ पंत के बीच में ये लड़ाई है अब क्या ऋषभ पंत को क्या खिलाने के लिए क्या ओपनिंग कराई जा सकती है क्योंकि अगर ईशान किशन को आपने एज अ ओपनर चुना फिर आप दो तीन ओपनर लेकर बैठ जाओगे और मुझे नहीं लगता कि दो तीन ओपनर सेपर फिर एक साथ खेल रहे हैं, मैं। हैं। मैं ही में कह रहा हूं। और कई एक्सपर्ट भी है वो यही कह रहे हैं कि यार उनको मौका बनी नहीं रहा है मौका मिलता है पहले इनिशियली जब उनको मौके मिले थे उन्होंने उतना परफॉर्म नहीं करा था बट इवेंचुअली उनको जब मौके मिले पिछले पूरे साल में उन्होंने परफॉर्म करा उन्होंने अच्छे से अपने रन बनाए हैं चाहे वो ओडिया आपको दिख रहे हो चाहे वो टी20स दिख रहे हो और जैसे ही दिनेश कार्तिक के बीच में एंट्री हो जाती है हाँ। संजू सैमसन ने कहा भाई गायब हैंस पानी में <laughs> 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 ये क्या हो रहा है मेरे साथ भाई तो संजू सैमसन बड़े फियरलेस क्रिकेट खेलते हैं और फियरलेस क्रिकेट से मेरे को एक बात बोलनी है कि अच्छा। जो जो वीवीएस लक्ष्मण साहब आए हैं हाँ। ना उन्होंने कहा है कि टी20 को अगर सक्सेसफुल टीम बनानी है आपको हाँ। तो स्पेशलिस्ट प्लेयर्स और अग्रेसिव अप्रोच चाहिए भाई कसम मैंने मैंने सोचा कैसे टी ट्वेंटी में, मतलब में, दे दे में, में। देखिए यही तो बात है आप ना यहाँ दिखा देते चितेश्वर पुजारा की बात नहीं है यहाँ पे जिनके रहाने आपको लेके आने चाहिए यहाँ पे आपको राहुल द्रविड को रिटायरमेंट से वापस लक्ष्मण भी खेल सकते हैं कलाइयों से लक्ष्मण साहब तो देखिए

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है उसमें जब वो खेल रहे थे जब उनका नाम अनाउंस हुआ टी ट्वेंटी हाँ। टीम के लिए तब हाँ। उन्होंने अगले ही दिन जो कमाल की एक पारी खेली उन्होंने भैया बढ़िया, बढ़िया स्ट्राइक रेट से ठोक हाँ। के एकदम खेला हाँ। तो वहां से लोग कह रहे हैं कि नहीं यार बंदे में टैलेंट है पोटेंशियल है टी ट्वेंटी हाँ। और इस मैच में जो वन वन के स्ट्राइक रेट से जो पृथ्वी शॉ जो ओपनिंग कर रहा है और इतने रन मार रहा है उसको जो बिल्कुल याद नहीं किया गया उन्हें साई बाबा याद आ रहे हैं अपने इंस्टाग्राम की स्टोरीज में तो मतलब ये मतलब बाकी उस चीज को नहीं देखा जाएगा वो तो सिलेक्टर्स की गलती है वो तो देखो आप

जब बड़े टूर्नामेंट खेलने आते हैं पहले ओवर मेडल आपको क्या लगता है मान लो ये जो सीरीज है हाँ। है ना टी ट्वेंटी है ओडीआई हाँ। है ये हार्दिक पांड्या जीत के चले जाते हैं हाँ फिर उसके बाद क्या होगा या फिर तो मुझे लगता है कि अब रोहित शर्मा आएंगे और कैप्टन नहीं नहीं, 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 नहीं। से से मुझे लगता है कि फिर एक रियल प्रेशर बनेगा कि भाई ये कहा जा सके कि ये जो सीनियर खिलाड़ी हैं hmm. इनको इनका वर्कलोड मैनेजमेंट देखो इंग्लिश की सबसे खूबसूरती ये है अच्छा ऐसे ऐसे वर्ड्स मिले हैं <laughs> जिसको जिससे आपको सही लगने लगता है मतलब आप किसी को अगर कहना चाहते हो कि भाई तू नल्ला है तू बेवकूफ है तुझे बस की कुछ नहीं wow. तुम बस उसको ये कह सकते हो यार आई डोंट थिंक के यू शुड प्ले बिकॉज यू रिक्वायर रेस्ट आपका वर्कलोड oh. मैनेजमेंट हम करवा देते हैं इट्स नॉट अबाउट यू इट्स अबाउट मी तो <laughs> तो <laughs> तो 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 वो वाली चीजें हैं पर तो मुझे ऐसा लगता है कि एक रियल प्रेशर आएगा क्योंकि हम पिछले दो वर्ल्ड कप देख चुके हैं लेट्स बी रियलिस्टिक अबाउट इट 2021 में भी टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप था 2022 में भी टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप था ये दो वर्ल्ड कप हमने लगातार एक जैसी सी ही टीम के साथ एक जैसी सी अप्रोच के साथ खेल लिया

वो आप कोई सी स्पिरिट कह लो बट हाँ, जो भी थी वो ट्रांसफर हाँ, हो रही थी के लड़कों तो है, में और राहुल प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है रोहित शर्मा वेल लेफ्ट कर दो मैं संभाल लूंगा हाँ वो भी <laughs> राहुल आप खुद आया राहुल वर्ल्ड कप से याद आया ट्रॉफी से याद आया ये जो इंडिया और न्यूजीलैंड की जो सीरीज है ये, ये जो इतनी सी ट्रॉफी है जिसमें एक उंगली अंदर ढंग से हाँ, नहीं आ रही है हाँ, ये फिफ्थ क्लास में मैं जीत कर लाया था ये ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन में वैसे इस इससे बड़े कप में तो मैं चाय पीता रोज <laughs> एक टाइम की हाँ बताओ, बताओ ये ये इसको एक कप बता रहे हैं ये ये ट्रॉफी है इसमें, चार, पे इसमें ये जो जिसपे रखी हुई थी अभी जिसके ऊपर हल्की सी हवाई पहलो टेबल टूट गई विलियमसन भाई ने कैच ऐसे पकड़ ली क्या ट्रॉफी मैं रख लेता हूँ आप अपनी क्रीम टीम बना लो हवा में हवा में ओड़ रही है ये ट्रॉफी कम से कम वो वोटीएम बेट की है, है यार यार इससे बढ़िया तो वो पाकिस्तान की वो ट्रॉफी थी वो बड़ी गंदी सी एक ट्रॉफी नहीं थी पाकिस्तान की सीरीज में वो वो भी बड़ी वायरल हुई थी तो वो वाली ट्रॉफी इससे बढ़िया थी भाई साहब दिल्ली में अगर हो दिल्ली के आसपास हो आप तिलक नगर आओ मैं आपको इससे बढ़िया ट्रॉफी बनवा दूंगा सस्ते में और क्या मतलब इससे बड़ी तो हम ट्रॉफी खा जाते हैं आप ट्रॉफी की बात कर रहे हो <laughs> पर चलिए यार ये प्लेइंग इलेवन पर आओगे तुम यार, प्लेंग 11। प्लेंग 11 मलिक उमर मलिक नहीं है ना करे इस बार उमरान मलिक अगर अपनी स्पीड के साथ लाइन लेंथ दिखा देते हैं भैया ये बंदा टीम इंडिया के मतलब जो मेन पूल ऑफ टैलेंट है जो मेन टीम खेलती है उसमें हमेशा फीचर करेगा मैं चाहता हूं कि इंडिया की डिपेंडेंसी बुमरा के ऊपर से खत्म हो लेकिन उमरान मलिक ने अभी तक जो तीन टी ट्वेंटी खेले हैं उसमें उनका परफॉर्मेंस उस हिसाब से गया नहीं है बारह से ज्यादा का उनका इकोनॉमी है तो वो हरदीप पर... को भी धीरे धीरे करा है ना मतलब, नहीं, नहीं, बड़ी बड़ी मतलब हो जाएगा खिलाड़ी जब तक आप उनको खिलाओगे नहीं ऐसी पिचेस पर उनको मौका नहीं दोगे तो पता कैसे चलेगा हैं। कि भाई ने ट्रोल किया या, हाँ वो तो है पर यहाँ पर जो ओपनर्स है शुभमन गिल ईशान किशन ये लगभग ऐसा लग रहा है कि शायद इस ओपनिंग के साथ जाएगी क्योंकि शुभमन गिल से एक अलग तरीके का प्यार है कुछ भी कहिए है तो वो प्यार तो है ये तो मानना पड़ेगा बीसीसीआई को प्यार कहो या फिर मैं तो टैलेंट भी कह सकता क्योंकि टैलेंटेड लड़का है बड़े क्लासिक कवर ड्राइव ना ओल्ड स्कूल के भैया जो बंदा बढ़िया स्ट्रेट ड्राइव ड्राइव और कवर लगाता है जो बैट्समैन उसमें टैलेंट है और वो कर जाएगा कुछ ना कुछ लेकिन भैया टैलेंट तो बाकी भी खिलाड़ियों में है क्योंकि अगर शुभमन गिल खेलते हैं तो आप ये समझ आपके लिए तब हेल्पफुल भी रहेंगे कि अगर आप लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बनाते हो तो शुभमन गिल वहां पे आके एक एंड संभाल सकते हैं बिल्कुल पर लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन तो तब भी बन सकता है अगर अगर आप ऋषभ पंत और और संजू सैमसन को ओपनिंग करने दो, भेज दो तो ये भी तो है। क्योंकि क्योंकि अगर गिल ईशान किशन दोनों शुभमन लो टीम में होते हैं तो क्या आप उनको नंबर थ्री नंबर फोर पे खिला सकते हो गिवन दैट आपके पास हुआ सूर्य कुमार यादव भी है क्योंकि अगर शुभमन गिल और ईशान किशन दोनों खेलते हैं तो श्रेयस अय्यर संजू सैमसन और दीपक हुडा देखिए ये तीनों खिलाड़ी तो एक प्लेइंग इलेवन में नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि आपके पास सूर्य कुमार यादव हैं जिनको खिलाना है ऋषभ पंत आपके भैया वाइस कैप्टन है सीरीज के हाँ। तो अगर वो वाइस कैप्टन है तो ये आप मानकर चल लो कि ऋषभ पंत तो ड्रॉप नहीं हो रहा ऋषभ पंत ने दिनेश कार्तिक जो एक साल का फिनिशर था उसको ड्रॉप करवा दिया तो तो, ऋषभ पंत तो ड्रॉप नहीं हो रहा तो ऋषभ पंत तो टीम में है अब प्रॉब्लम यह है कि ऋषभ पंत को क्या उसी तरीके से खिलाया जाएगा जिस तरीके से इतने सालों से खिलाया जा रहा है नंबर पांच या नंबर छह पर तो आप उनको कैसे यूटिलाइज कर रहे हो टी ट्वेंटी में और अगर वो ऊपर आते हैं तो मुझे लगता है कि ईशान किशन शायद प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं हो okay, और ये ईशान okay. किशन के लिए बड़ी मतलब अजीब सी बात होगी क्योंकि ईशान किशन उनको समझ में नहीं आ रहा भाई मैं विकेट कीपर के स्पॉट के लिए मैं कंपटीशन कर रहा हूँ ईशान किशन की किस्मत ना ईशान किशन को बस यही कहा जाएगा बेटा अभी बहुत उम्र बाकी है अभी रुक जाओ थम जाओ ए, बच्चों हाँ। बच्चों की तरह ऐसे उछलते नहीं है हर चीज के ऊपर आराम हाँ। से अभी पर यार मतलब ये ईशान किशन के लिए थोड़ा गलत है क्योंकि मुझे ऐसा लगता Absolutely, है कि उनमें okay, भी बहुत बढ़िया टैलेंट है और बहुत touch. अच्छे अच्छे टच में भी है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं मेरी प्लेइंग इलेवन ये होने वाली है कि ऋषभ पंत और शुभमन गिल से शायद ओपनिंग कराई जाए उसके बाद श्रेयस अयर

अगर सूर्य कुमार यादव कल नंबर तीन पर खेलते हैं हाँ। तो मेरे लिए ये बहुत प्लेजेंट सरप्राइज होगा मैं मान जाऊंगा इस बात को कि शायद मैनेजमेंट चेंज है। चेंज हो रही है हो रही है थिंकिंग थोड़ी सी चेंज हो रही है। तो मैं तो चाहूंगा कि सूर्य कुमार यादव नंबर तीन पर आए नंबर चार पर श्रेयस सैयर या संजू सैमसन आए नंबर पांच पर मतलब कोई लगता है आपको यार मैं वही मैं कह रहा हूं अगर आप नंबर तीन पर सूर्य कुमार यादव को खिलाने की बात करते हो तो चार पांच छ

तो आपके पास हार्दिक पांडे आएंगे हाँ वो कप्तान है नंबर सात पर मुझे लगता है कि जो वॉशिंगटन सुंदर है उनको रखा जाएगा क्योंकि एक इकलौते वही खिलाड़ी हैं जो कि एक ऑलराउंड भूमिका वो निभा सकते हैं okay. क्योंकि यहाँ पर मतलब मुझे नहीं लगता कि दोबारा से किसी और को मौका दिया जाएगा यहाँ पर और को, 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 को और कोई कोई ऑलराउंडर भी नहीं दिखाई दे रहा मेरे को नहीं मेरे ख्याल से सुंदर एक इसलिए भी अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं क्योंकि अगेन आप ऐसी सीरीज के अंदर जब यंगस्टर्स को लेकर जाते हो तो आपको यही एक्सप्लोर करना होता है कि वो आगे और कैसा कर सकते हैं ये हमारे लिए डिपेंडेबल ऑप्शन बनेंगे या नहीं बनेंगे तो सबसे पहले पूरी टीम बता देता हूँ जिसमें से ये प्लेइंग इलेवन चुनी जाएगी ईशान किशन शुभमन गिल श्रेयस अय्यर संजू सैमसन दीपक हुडा सूर्य कुमार यादव ऋषभ पंत हार्दिक पंड्या वॉशिंगटन सुंदर हर्षल पटेल उमरान मलिक भुवनेश्वर कुमार अर्शदीप सिंह युजवेंद्र चहल और मोहम्मद सिराज सिराज <coughs> तो भाई इन लोगों में से इन पंद्रह की टीम में से ग्यारह चुने जाएंगे मैं आपसे पूछना चाहता हूं ओपनर और जो जो मसला है मिडिल ऑर्डर का वो तो हमें समझ में आ रहा है कि भाई बड़ा टाइट है हाँ. फास्ट बोलर अगर खिलाए खिलाए जाएंगे जाएंगे पर और न्यूजीलैंड के पिच है कौन से होंगे वो यार देखो थोड़ा सा पर्सनल हाँ. बायस रहेगा हाँ मैं ट्राई करना चाहूंगा उमरान मलिक को यहाँ पर ठीक है हुँ. और अर्शदीप सिंह मेरे ख्याल से इस बंदे का फ्लो तोड़ना नहीं चाहिए और कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए इसे भुवनेश्वर कुमार नहीं। मुझे नहीं लगता टीम में होने चाहिए मेरे हिसाब हाँ। से जिस तरह की कंडीशंस है मोहम्मद सिराज शायद एक बेहतर आपको ऑप्शन प्रेजेंट करते हैं बिल्कुल करते एक के प्लस की वो पेस है उनकी नुँ। नुँ। और जिस तरह से वो कहते हैं ना हार्ड डेक और वो सब जो पिच कर रहे हैं भैया तो उनकी बॉल में वो बाउंस आपको मिलेगा न्यूजीलैंड की पिचेस जो है उन चीजों को हेल्प करेगी वो कंडीशन ऐसे बॉलरस को एक्सप्रेस फास्ट बॉलर को हेल्प करेंगे मेरे हिसाब से भुवनेश्वर कुमार के बदले शायद आप सिराज के साथ ट्राई कर सकते हो बिल्कुल कर सकते हो पर ये आपका शायद लॉजिक कह रहा है कि आप भुवनेश्वर कुमार को यहां पर ड्रॉप कर इन दो सीरीज का और कोई मतलब नहीं है यहां पे इन सीरीज का मतलब है कि तो लड़कों को तो दो बॉलर होंगे तीसरा जो पेसर है उसमें उमरान मलिक या मोहम्मद सिराज में से एक कोई खिलाएगी अगर यहां पर भी भुवनेश्वर कुमार को अगर कल ड्रॉप कर दिया तो मैं आपको बता रहा हूँ मैं ना मैं मैं <laughs> है, मैं सरप्राइज़ आपको जो आप कहोगे वो खिलाऊंगा मैं आपको आप छोले भटूरे खाना चाहते हो पिज्जा खाना चाहते हो समोसे खाना चाहते हो, बर्गर खाना चाहते हो जो खाना चाहते हो वो बताओ। मैंने बहुत अच्छी ले लो आन, जो आपका धोके <laughs> खा चुका हूँ से कि मुझे हमेशा लगता है कि शायद ये कभी तो मतलब ढंग की बात सोचेंगे बिल्कुल ढंग की बात कही आपने टी ट्वेंटी सीरीज ना इन पिचेस ना ये पिचेस इंडिया जैसी हैं जिस पर वर्ल्ड कप होना है अगले साल पचास ओवर का ना ये पिचेस वैसी हैं हैं जिस जिस पर पर अमेरिका और वेस्ट इंडीज का पिचेस जैसी वर्ल्ड कप होना है वो कहेंगे देखो अभी पीछे थोड़ा सा उतनी अच्छी फॉर्म नहीं दिखी थी अब ये तो प्रैक्टिस मैचेस की तरह मान के चलो तो यहाँ पे जो कंडीशन है अगर नॉर्मल पार्टा पिचेस होंगे तो भुवनेश्वर कुमार पिट जाएंगे तो यहाँ पर क्योंकि थोड़ा सा बॉलर को हेल्प मिलती है तो वो वहां पर करेंगे थोड़ा सा अच्छा

श्रेयस अय्यर नंबर चार पर मेरे हिसाब से आएंगे सूर्य कुमार यादव नंबर पाँच पर संजू सैमसन नंबर छः पर हार्दिक पंड्या नंबर सात पर वॉशिंगटन सुंदर अब आठ नौ दस ग्यारह जो बचे उसमें नंबर आठ मैं स्पिनर के लिए बोल रहा हूं तो स्पिनर आएंगे युजवेंद्र चहल नौ दस ग्यारह जो तीन फास्ट बॉलर होंगे मेरे हिसाब से होंगे और मैं ये नहीं कह रहा आइडियल सिनेरियो नहीं बता रहा हूँ हाँ। मेरे हिसाब से यहां पर होंगे भुवनेश्वर कुमार भुवनेश्वर कुमार के साथ अर्शदीप सिंह और तीसरा फास्ट बोलर होगा आपका मोहम्मद सिराज ना उमरान मलिक को यह मौका हाँ। देंगे ये भुवनेश्वर कुमार को मौका देंगे मैं बता रहा हूं ये प्लेइंग इलेवन हो सकती है कल की ऐसा मुझे लगता है क्योंकि मैं बहुत धोखे खा चुका हूं आप बताओ कि प्लेइंग इलेवन क्या होनी चाहिए ये आप बताओ जो भी बना रहे हो दो बना दो हाँ क्योंकि मेरे हिसाब से आप जो बोल रहे हो ना कि आइडियल सिनारियो तो हम

ऋषभ पंत देखने को मिल सकते है। आ, हार्दिक तो हैं हार्दिक पांड्या तो है ही है क्योंकि कप्तान है ऑलराउंड रहेगी वॉशिंगटन सुंदर और साथ में आपको देखने को मैं हर्षल पटेल को शायद यहां पे इंक्लूड नहीं करूंगा उमरान मलिक Uh, जो पेसर्स हैं मैं वहां से अगर बात करना शुरू करूं उमरान मलिक हैं और भुवनेश्वर कुमार को मैं इंक्लूड नहीं करूंगा मैं कहूंगा मोहम्मद सिराज आए वहां पे अर्शदीप सिंह आएंगे और स्पिनर जो है जिनको पूरे वर्ल्ड कप में बहुत सारा uh, मौका मिला पानी हाँ। पिलाने का हाँ। uh, uh, युजवेंद्र चहल उनको फाइनली बॉलिंग का मौका मिलेगा <laughs> तो चलिए ये है हमारी प्लेइंग इलेवन आपकी प्लेइंग इलेवन क्या कहती है आप क्या सोचते हैं कि क्या होनी चाहिए टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन न्यूजीलैंड के साथ सबसे पहले आपको बता दूं कल दोपहर बारह बजे इंडियन टाइम के हिसाब से दोपहर बारह बजे इंडियन टाइम के हिसाब से मैच है और ये मैच कहां देखने को मिलेगा अगर